Hello everyone, welcome to this channel. I am CS Ritu. This video is about Rail Vikas Nigam Limited. Rail Vikas Nigam Limited के शेयर ने हमें अच्छे returns दिए हैं. इस शेयर के returns की अगर बात करें तो पिछले 5 दिन में 13% तक के return ये शेयर दे चुका है and last 1 month में 29% के return इस शेयर ने दिए हैं. इस ईयर में अभी तक 31% के return ये शेयर दे चुका है and 5 ईयर में 134% के return ये शेयर दे चुका है. शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है. अभी 46.3 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है. तो ऐसे में क्या नए टारगेट हैं, ये शेयर यहाँ से कहां तक जा सकता है, कितना अपसाइड हमें इस शेयर में देखने को मिल सकता है, ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. विकास निगम लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है. अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये कंपनी आती है एंड ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनकॉर्पोरेशन का बेसिक दो ऑब्जेक्टिव थे. रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव था इस कंपनी का, फास्ट ट्रैक मोड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना एंड इसके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, एक ये ऑब्जेक्टिव था इसके इम्प्लीमेंटेशन का. और सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसके इम्प्लीमेंटेशन का था रेजिंग ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज. तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से ये कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी. ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में 2019 में लिस्ट हुई थी. फ्राइडे को आरबीएनएल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी और इस न्यूज के आने के बाद शेयर प्राइस में 8.5% का अपसाइड हमने फ्राइडे को देखा है. आरबीएनएल में ये न्यूज आई थी कि कंपनी को एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला है. 137 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला है. धनबाद डिवीजन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है एंड इस ऑर्डर में ओएएच मॉडिफिकेशन वर्क करना है इस कंपनी को, ऐसा ये एक ऑर्डर कंपनी को ग्रांट हुआ है. तो इसकी वजह से शेयर प्राइसेस में भी हमने अच्छा अपसाइड देखा था. शेयर ने अपने 52 वीक हाई भी लगाया है एंड ये शेयर यहां से कहां तक जा सकता है, एनालिस्ट का क्या व्यू है इस शेयर के बारे में. तो एनालिस्ट इस शेयर के बारे में बहुत बुलिश है एंड एनालिस्ट ने स्टॉक को बाय की रेटिंग दी है. एनालिस्ट के हिसाब से इसमें और अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है एंड जो लेवल्स उन्होंने इस शेयर के लिए बताए हैं वो है 47 से 50 रुपीज तक का अप ट्रेंड इस शेयर में देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट व्यू ऑन दिस शेयर. कंपनी का शेयर बहुत फोकस में रहने वाला है कमिंग वीक में क्योंकि 10 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और इस मीटिंग का एजेंडा है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर. तो कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे 10 नवंबर को एंड क्या डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा. तो डिविडेंड से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं आया है. इस मीटिंग का एजेंडा ओनली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर है. अगर पास्ट ट्रेंड्स ऑफ डिविडेंड देखें, कंपनी ने लास्ट ईयर में मार्च में डिविडेंड डिक्लेयर किया था इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹1.58 पर शेयर. तो अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी मार्च में डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इस बार डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आरवीएनएल शेयर. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू subscribe to this channel. Also, thank you for giving us your time and thank you for watching this video.